हाय डियर फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता और लेकर हाजिर हूँ आज आपका फेवरेट प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। हेलो हेलो कौन? आपने नोकिया के मोबाइल्स के बारे में तो सुना होगा। नोकिया का 1100 मोबाइल था, उसके बारे में कहते थे कि वो तीसरी मंजिल से भी गिर जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, इतना मजबूत टिकाऊ था। वैसे नोकिया फिनलैंड का एक छोटा सा शहर है, बिल्कुल छोटा सा, वहां पर ही बनते हैं नोकिया के फोन्स जो इतने ड्यूरेबल हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। लोग तो ये कहते हैं यार बनना हो तो बिल्कुल नोकिया जैसा, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल टिकाऊ होगा। अब आपको पता चल गया कि नोकिया सिर्फ फोन ही नहीं है, ये फिनलैंड का एक छोटा सा विलेज भी है। माई डियर चिल्ड्रन, इंडिया की कैपिटल कौन सी है? न्यू दिल्ली। दिल्ली आप जानते हो, आपको पता है कि जो महाराष्ट्र है मुंबई का, वो हमारी सारी जितनी भी इंडिया की स्टेट्स हैं उन सब में रिचेस्ट माना जाता है। पर कैपिटा इनकम वहां पे बहुत रिच मानी जाती है। और महाराष्ट्र की कैपिटल कौन सी है? मुंबई। मुंबई क्या है? हमारी फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया की है मुंबई, क्योंकि वहीं पे हमारी स्टॉक एक्सचेंज है। और मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में ये कहा जाता है कि इंडिया के मोस्टली जो बिलियनर्स हैं, मल्टी बिलियनर्स हैं, वो सारे रहते हैं महाराष्ट्र और मुंबई में। डियर चिल्ड्रन, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गिर गए हो, चोट लग गई है और मम्मा या दादी उसके ऊपर फूंक मार के कहते हैं कीड़ी मर गई और उसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं या डिटॉल लगा देते हैं और कुछ लोग हल्दी लगा देते हैं कि जो सेप्टिक है वो फैले ना, आपकी चोट जल्दी ठीक हो जाए। आपको पता है कई कई जगह पर ऐसे भी किया जाता है, जो शुगर है वो चोट वाली जगह पे लगा दी जाती है या जो शुगर जो है वो खिला दी जाती है। पता क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जो शुगर है वो आपकी पेन को कम करती है, इसलिए कुछ लोग चोट लगने पर उस जगह पर शुगर भी लगा देते हैं, क्योंकि इससे जो पेन है वो रिलीफ होनी शुरू हो जाती है, पेन कम होनी शुरू हो जाती है। तो कुछ मीठा हो जाए। मर्सिडीज, देन बुगाटी या रेंज रोवर, कोई भी गाड़ी हो, कितनी भी महंगी हो, मगर जो F1 नंबर होता है, F1 नंबर वाली प्लेट, वो बहुत महंगी बिकती है। लास्ट टाइम वो बिकी है 132 करोड़ की। ऐसा क्यों? लोग वैसे ही फैंसी नंबर, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि फैंसी नंबर लेने के लिए किसी भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। ये फैंसी नंबर देखो, F1 सिंपल सा नंबर है, इसको याद करना भी कितना आसान है और ये बड़ा अट्रैक्टिव फैंसी है। तो लोग अपने मतलब शक्ति प्रदर्शन के लिए, दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास कितना फैंसी नंबर है, कुछ भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम जो F1 नंबर प्लेट बिकी है, दैट कॉस्ट 132 करोड़। और ये ऐसी जो फैंसी प्लेट्स होती हैं, ये लगती हमेशा लग्जरीज गाड़ी को ही है। बच्चों, हमने राजस्थान के करनी माता मंदिर के बारे में आपको बताया था, जहां पर चूहों की पूजा की जाती है। ऐसी ही राजस्थान के बीकानेर में भाड़ा शाह जैन मंदिर है, भाड़ा शाह जैन मंदिर, जिसको 15th century में भाड़ शाह ओसवाल ने बनवाया था। आपको पता है कि इस मंदिर में पानी की जगह पानी मिलाते हैं ना, रेड सीमेंट को मिलाने के लिए, यहां पर तकरीबन Oh my God, 40,000 किलो देसी घी यूज किया गया था। 40,000 किलो, 40,000 किलो देसी घी, शुद्ध देसी घी यूज किया गया था पानी की जगह पर, फिर इस मंदिर को बनाया गया था। मतलब जो आपकी श्रद्धा है उसकी कोई कीमत नहीं है, बंदे कुछ भी कर लेते हैं। Where there is will, there is way. काले लंबे मेरे बाल, वैस मोल ने किया कमाल। वैसे आपको पता है कि ह्यूमंस के जो बाल होते हैं अलग अलग डेंसिटी के होते हैं, पर फिर भी वो बहुत मोटे नहीं होते हैं, इतने नहीं होते हैं कि वो गिरे और उनकी आवाज आए। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब ह्यूमंस के बाल गिरते हैं तो उसकी एक हल्की सी साउंड आती है, वो कौन सुन सकता है? सिर्फ चींटियां।
ह्यूमंस को सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आसपास इतनी आवाजें चल रही होती हैं, कभी पेड़ों की, कुछ गिरने की, किसी के चलने की, हवा की, कितनी आवाजें होती है ना। इसलिए वो जो बाल गिरने की आवाज है होती जरूर है, मगर वो कौन सुनती है, सिर्फ चींटियां। कितने बाल गिरे हैं वो आप चींटियों से पूछ सकते हो अगर वो बताए तो। डियर किड, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, हर किसी ने उसको देखा होगा, उसके ऊपर एक मशाल है और वो स्वतंत्रता का, लिबर्टी, फ्रीडम का प्रतीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को इंस्टॉल करने के बाद 16 साल तक उससे क्या काम लिया जाता था, एज अ लाइट हाउस। उसमें लाइट्स जगती थी और जो दूर दूर तक जो शिप्स हैं और जो लोग हैं उनको वो 24 मील से दूर वो लाइट हाउस नजर आ जाता था। वैसे आपको पता है कि ह्यूमंस की जो आंख होती है वो बड़ी शार्प होती है, अगर क्लियर नाइट है और अगर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, धुआं नहीं है, मिट्टी नहीं है, पॉल्यूशन फ्री है, तो हम जो ह्यूमंस हैं वो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर से भी कुछ ना कुछ ऐसी लाइट्स या कहीं कोई आग जल रही है तो उसका धुआं वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अमेजिंग। जी बच्चों, यू कैन नॉट इमेजिन अ कंट्री हु इज नॉट हैविंग एनी एयरपोर्ट। ऐसे हो सकता है? ऐसा है। पूरे वर्ल्ड में 5 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। आई विल टेल यू, वेटिकन सिटी जहां पर पॉप रहते हैं, देन सैन मेरिनो, मोनैको, लिचटेनस्टाइन एंड एंडोरा। ये 5 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। और सबसे छोटी जो कंट्री है दैट इज वेटिकन सिटी, जिसका की मेजरमेंट है 0.02 स्क्वायर माइल। बस इतनी छोटी सी है वेटिकन, जहां पर पॉप रहते हैं। सो अमेजिंग। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहीं पर है अलास्का नाम की जगह। अलास्का में हर जो सब्जी है, वेजिटेशन और फ्लावर्स बहुत बड़े बड़े उगते हैं। वहां पे के पम्पकिन जो है इतने बड़े बड़े, वाटरमेलन, देन मशरूम, देन कैबेज, देन क्यूली फ्लावर, इतने बड़े बड़े साइज के होते हैं। लोग भी अक्सर हैरान होते हैं कि ये अलास्का में वेजिटेबल जो है वो इतनी बड़ी क्यों होती है। रीजन ये है कि अलास्का में सूरज की रोशनी 20 घंटे मिलती है, वहां की जियोग्राफिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसलिए इतनी हीट, इतनी सनलाइट मिलने की वजह से वहां पर जो सब्जियां उगती हैं वो ये बड़ी बड़ी होती हैं। बिल्कुल वैसे ही पम्पकिन जैसे हम सिंड्रेला की स्टोरी में देखते हैं। जी अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है। अभी 1-2 दिन हैं तो जल्दी से अपने शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए थे, जैसे मैंने बोला था, उनको रिवाइज कर लो। एंड हैव कॉन्फिडेंस, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय। तू है तो हिम्मत है, तू है तो जन्नत है, तू है तो रहमत है, तू है, तू है, तू है। Thank you.
लगे दवा बनी है तू। गिरता हूँ कभी संभालती है तू। चोट जो लगे कर लो भाई कर लो।